हूँ, आप किसी भी टॉपर से पूछना, अगर आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की और अगर आप डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं, तो असली किंग मेकर जो होता है ना वो जीके होता है। और जीके एक ऐसा छुपा रुस्तम है, जीए जिसको हम कह सकते हैं, जिसका अगर तगड़ा है तो वो बहुत बढ़िया स्कोर करेगा, और अगर नहीं है तो फिर बाकी नॉर्मल लोगों में स्कोर आ जाता है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा स्कोर सैचुरेटेड पॉइंट पर क्यों है, क्यों हम 150 ही स्कोर कर पा रहे हैं, हमारा स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है। रीजन मैं बताता हूं क्या है। रीजन ये है कि आपके मैथ में 45 आते होंगे, आपके इंग्लिश में 40-45 आते होंगे, आपके रीजनिंग में भी 40-45 आते होंगे, लेकिन वही जीके जीएस में आप 15 या 20 स्कोर कर रहे हैं। और दूसरा वही कैंडिडेट है, मैंने अच्छे से, जैसे मेरा एक दोस्त था प्रतीक करके, प्रतीक का मेरे से मैथ्स में कम आता था, इंग्लिश में कम आता था, लेकिन वो जीएस में 35-40 प्लस हमेशा लेके रहता था। और यही रीजन था कि उसका काफी अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जीके जीएस जो है वो किंग मेकर है, वो छुपा रुस्तम है, जिनका तगड़ा हो गया वो बड़ा खतरनाक काम कर जाएंगे। और वो कैसे होता है, तो उसके लिए भी आप एक बात को समझो, क्या होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता, जैसे हम सर्च कर रहे होते हैं, अगर यूट्यूब पर जाओगे ना तो सबसे ज्यादा सर्च करने वाला ये वर्ड है कि जीके की तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला। दुनिया ये तो बता देती है लूसेंट पढ़ लो, लेकिन लूसेंट कैसे पढ़ना है कोई ये नहीं बताता है। हमें ये तो पता है कि ज्योग्राफी आएगा भैया, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, टोटल मिला के 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें कितना आएगा ये नहीं पढ़ना। कोई हमें ये तो बता देता है कि ये लूसेंट है, 5 ईयर का प्लान है, आप ये पढ़ लो, लेकिन वो 5 ईयर प्लान में किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कैसे पढ़ना है, वो कोई नहीं बता। पर जीएस पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट हो गए आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। सर यकीन मानिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, हम कारण बताते हैं क्यों। अब इन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री भी है, इन सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी भी है, इन सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी भी है, इन सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका साइंस हो जाएगा। साइंस में आपको यहाँ पर न्यूटन के लॉज नहीं पढ़ने हैं, साइंस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना है, साइंस में यहाँ पर किसी का केमिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ना, जो स्टैटिक पार्ट है ना वो पढ़ना है। मुझे भी शुरू में लगा मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का बंदा हूँ, मुझे लगा रहे ऑनर्स किया तेरे भाई ने केमिस्ट्री में लपेट देगा। अब भाई साहब बाद में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आप एलपीजी गैस अपने घर में रखे हुए हैं, जो घरेलू गैस है, उसमें महक आती है तो किस वजह की आती है, कौन सा केमिकल डाला जाता है, ये तो हमारे में पढ़ाया ही नहीं गया। जो सिंदूर औरतें सर में लगाती हैं, उस सिंदूर में कौन सा केमिकल है ये बताओ यहाँ पर, ये हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट ही नहीं था यार। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया गया, जो यहाँ कर आके पता चला कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बेकिंग सोडा लाइम सोडा से ज्यादा सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, मानव शरीर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विटामिन और ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा होता है कि साइंस में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, लिमिटेड इसके अंदर भी जो स्टैटिक पार्ट होते हैं जो नहीं बदलते वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सोर्सेज होगा भाई, हिस्ट्री इतना प्यारा है यकीन मानो, मात्र 3 पार्ट में बदला है, एक आपका हो गया एंशियंट, दूसरा आपका हो गया मॉडर्न, और तीसरा आपका हो गया मेडिएवल। आप पूरी हिस्ट्री क्यों उठाते हो, मत उठाओ ना, आप कोई एक पार्ट यहाँ पर उठा लो। जैसे मानो आप एंशियंट आपकी इच्छा नहीं हो रही, आप यार मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर लो, क्या दिक्कत है, मेडिवल से शुरू कर लो, गांधी नगर से शुरू कर लो, दिल्ली सल्तनत से शुरू कर लो, शुरू तो करो यार, कहीं से तो शुरू करो मेरे भाई, कहीं से। ठीक है, मैंने यहाँ से कई बार उठाने की कोशिश की, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं समझ में आता था, काली बगान और ये क्या क्या लोथल वोथल नहीं समझ में आ रहा था, फिर हमने शुरू किया मॉडर्न से, गांधी नगर से शुरू किया, इन चीजों को हम रिलेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट्स बनाने शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो शुरू करना पड़ेगा, एक बार में कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 10 बार चित के पट हो जाओगे, उठाओगे लूसेंट पटक दोगे, उठाओगे पटक दोगे, उठाओगे अपना कोर्स पटक दोगे, लेकिन एट देन फिर पकड़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी है, ठीक है, 5 आर्टिकल आपको याद है और आपके पेपर में 6ठा आर्टिकल आ गया, किसकी गलती है ये बताओ, आपकी गलती है, एग्जामिनर की गलती नहीं है, क्योंकि सीधा तौर पर है कि आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल तो याद होने चाहिए। अब 5 आपने याद किए तो आपकी भूल है ना, आपने 15 अमेंडमेंट याद करके चले गए, और मान लीजिए 16वां अमेंडमेंट पूछ लिया गया जो आपको पता ही नहीं था, यहां पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूछ लिया गया कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो आपको पता ही नहीं है। सर आपने 5 ईयर प्लान पढ़कर गए, और 5 ईयर प्लान पढ़ के जाने के बाद वहां पे ऐसा हुआ कि सर आप उसमें जान ही नहीं पा रहे हैं कि यहां पर फलाने प्लान जो हुआ था उसमें क्या आया हुआ था। मान लीजिए कि आपने पहला दूसरा तीसरा प्लान पढ़ा जो हर किसी को पता है, चौथे प्लान के बारे में आपको पता ही नहीं, और क्वेश्चन वहीं से आ गया। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया, यहां पर किस चीज को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, पता ही नहीं है सर, कहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना बहुत दिक्कत करने वाली है आपको। ज्योग्राफी हो गया, पूरा मानसून अच्छे से पढ़ना है आपको, पर्वत पठार और जो स्टैटिक पार्ट हो गया, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर करनी है, तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो किसी का कोर्स लेके पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किताब से पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, यू कांट स्किप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप स्किप नहीं कर सकते। अब पढ़ लिया तो इसको रिटेन कैसे करें, तो रिटेन मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं क्विज देकर। आप जितना ज्यादा क्विज देंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, जितना क्विज दोगे ना उतना बेहतरीन है आपके लिए, समझ रहे हैं यहाँ पे, जितना क्विज देंगे उतना बेहतरीन। क्विज से जीके याद होता है, क्विज से जितने सेक्शनल, आप एक काम करो बिहार में आ जाओ। ठीक है, बिहार में मैं जहाँ पर रहता था ना वहां पर मैं देखता था कुछ नहीं, रेलवे की जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं ना पता है क्या करते हैं, 50 लोगों की एक कमेटी बना ली। ठीक है, आज एक बंदे का काम है कि वो 50 क्वेश्चन को फोटोकॉपी करवा के लाके सबको देगा। ठीक है, वहीं टेस्ट लेगा और वो सबके सॉल्यूशंस करवाएगा, वो सबको समझाएगा। कल कमेटी में दूसरे बंदे की बारी थी, स्पेशली मैंने मेरे घर में एक व्यक्ति जो है वहां पर मेरे घर के बगल में रहते थे, किराए पे रहते थे, और उसके बाद वो जाते थे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके घर में मैंने इतना देखा था कंपाइलेशन, ये सारे सेट थे, मैंने कहा ये सारे आपने लगाए, हाँ हमारे एक पार्क में कमेटी चलता है,
शाम को 50 लड़के आते हैं, हम सारे सर्कल बना के बैठे होते हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल ऐसे करके, और उसके बाद हम सारे के सारे ये जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक वो भी तरीका हो सकता है। तो भाई तरीके ढूंढो, बट क्वेश्चंस लगाने से वो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो मेरा मानना जीएस में बस इतना ही है कि आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ स्टैटिक का पार्ट है। अब स्टैटिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत चैनल से सर, बहुत चैनल से जिन्होंने ट्रिक के माध्यम से करा रखा है, बहुत चैनल से नोबेल प्राइज को कैसे याद करें, हमारे शिवान सर इतना मेहनत करते हैं, आप देखिए एक बार, नीतू डागा मैडम इतना बढ़िया मेहनत करती है, दीपक सर इतना मेहनत करते हैं, आपको जिनका कंटेंट बढ़िया लगता है आप पढ़िए ना। यहाँ पे इतने ऑलरेडी पीडीएफ है, वन लाइनर्स है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर जगह से सर्कुलेट हो रहा होता है, कितने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं, फ्री में स्टैटिक की 600-700 पन्ने की यहाँ पर पीडीएफ बनाकर, किताब बनाकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मटेरियल तो है आपके हाथ में, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में आपको कौन आगे बढ़ाने वाला है, पढ़ा ही नहीं सकता कोई यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है कि जीएस में बहुत तगड़ी पकड़ बना के चलनी है। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पर शेयर भी किया करो।